हेलो फ्रेंड्स, वीएस कैड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में हम चैप्टर 5 से रिलेटेड जो भी हमारे पास ट्यूटोरियल हैं और एक्सरसाइजेज हैं हम वो देखेंगे। तो चैप्टर 5 का जो हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल 1 जो है, ये चैप्टर 4 के थर्ड ट्यूटोरियल को हमें एक्सट्रूड बॉस का यूज करके और उसे 3D में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है, ये ट्यूटोरियल है जो हमारा ट्यूटोरियल 1 है चैप्टर 5 का, वो हमारा ये है जो कि हमारे चैप्टर 4 का थर्ड ट्यूटोरियल है। इसका स्केच हमने चैप्टर 4 के थर्ड ट्यूटोरियल में हमने देख लिया था। वहां से हम क्या करेंगे, स्केच को कंप्लीट करेंगे। स्केच कंप्लीट करने के बाद हम इस चैप्टर में एक्सट्रूड बॉस एक्सट्रूड करना सीखेंगे। तो इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है या फिर ये जो हमारा एक्सरसाइज है ट्यूटोरियल 1 में, ये कह रहा है कि जो हमारा स्केच है वो हमारा ट्यूटोरियल 3 है ऑफ चैप्टर 4 का, एंड जो हमारा स्केच होगा वो वही होगा, वहां से हम इसमें एक्सट्रूड बॉस यूज करेंगे। ये 2 डायरेक्शनल होगा, इसमें दिखाया गया है फिगर के अकॉर्डिंग, एंड इसके अंदर क्या है कि मेरे पास ये दिया हुआ है, इसमें जो हमारे पास डायमेंशन दिए गए हैं वो यहाँ दिया गया है कि डायरेक्शन 1 के अंदर क्या होगा, हमारी जो डेप्थ होगी वो 10 mm होगी, एंड ड्राफ्ट एंगल होगा वो 35 डिग्री होगा, एंड सेकेंड जो होगा सेकेंड डायरेक्शन के अंदर डेप्थ जो होगी वो 15 mm होगी, एंड ड्राफ्ट एंगल हमारा 0 होगा। तो आइए चलते हैं सॉल्ड वर्क्स में और इसको यूज करके देखते हैं। चैप्टर 4 का हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर 4 का थर्ड ट्यूटोरियल है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बनाया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, हम इस वीडियो में हम एक्सट्रूड बॉस करना देखेंगे कि हमें एक्सट्रूड बॉस किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो हमें सबसे पहले जाना है एक्सट्रूड बॉस के अंदर, यहाँ क्लिक करके, और मुझे स्केच को क्लिक करना है। यहाँ से मैंने स्केच सेलेक्ट किया। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो कह रहा है हमारा फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर डेप्थ जो होगी हमारे एक्सट्रूड बॉस की वो 10 mm होगी, तो हमने यहाँ ब्लाइंड के अंदर हमने एक्सट्रूड बॉस की डेप्थ दे रखी है वो 10 mm दे रखी है, एंड सेकेंड जो ड्राफ्ट एंगल है वो हमारा 35 डिग्री है, तो ये हमारा ड्राफ्ट एंगल है, इसको हम क्लिक करके यहाँ 35 डिग्री हम दे देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट डायरेक्शन का तैयार है। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन 2 के अंदर हमारी जो डेप्थ दे रखी है वो 15 mm दे रखी है, तो हम डायरेक्शन 2 पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारा जो डेप्थ होगा वो हमारा 15 mm होगा। 15 mm के बाद हमारा जो ड्राफ्ट एंगल होगा वो हमारा 0 दिया हुआ है, तो हम यहाँ ड्राफ्ट एंगल 0 दे देंगे। ओके करने के बाद हमारा ये पार्ट बन के मॉडल तैयार हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 5 का हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। ट्यूटोरियल सेकंड है, चैप्टर 5 का सेकंड ट्यूटोरियल है जिसका स्केच मैं जूम कर देता हूं, या आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस स्केच को आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद तो इस स्केच को बनाने के बाद हम इसको एक्सट्रूड बॉस करना देखेंगे। इस स्केच को बनाने के लिए जो हमारे पास सबसे मेन पॉइंट दिया हुआ है कि हमारा जो ओरिजिन पॉइंट दिया हुआ है वह 70 mm दूर दिया गया है, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो ये स्केच बनाते टाइम हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट हमारा दे रखा है, ये पॉइंट हमारे यहाँ ओरिजिन पॉइंट यहाँ दे रखा है, यहाँ से 70 mm एक्स डायरेक्शन में एंड 70 mm वाई डायरेक्शन में जो हमारा पॉइंट होगा हमारा यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। ये हमारा सबसे पहले आउटर सर्कल हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 के रेडियस का। इसके बाद जो हमारी आईडी दे रखी है यहाँ वाली जिसके ऊपर हमारे 3 स्लॉट बनेंगे, ये दिया हुआ है हमारा 70 का डाया। तो इस तरीके से आप लोग ये देख करके और ये कंप्लीट करेगा स्केच। ये मैंने स्केच कंप्लीट कर लिया है और मुझे सबसे पहले इसमें एक ही चीज दे रखी है, एक्सट्रूड बॉस यूज करना है, जिसमें मेरे को 20 mm की इसमें डेप्थ देनी है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सट्रूड बॉस के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं यहाँ 20 mm एंड ओके। ओके करने के बाद ये मेरा मॉडल बनके तैयार हो गया। तो इसको कलर देने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ अपीयरेंस में जाकर के कलर दे सकते हैं, या फिर हमारे राइट हैंड साइड में जो हमारा टास्क बार है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ मैं कलर को चूज करूंगा। कलर को चूज करने के बाद एरो पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कलर चूज है।
ये चूज करने के बाद हमारे जो इसके अंदर ये जो हमारे बार आया हुआ है इसके ऊपर हमारा फर्स्ट आएगा। अगर हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ओनली फेस को कलर करेगा, अगर हम सेकंड को चूज करेंगे तो कंप्लीट जो हमारा एक्सट्रूड बॉस है ये उसको कलर करेगा, अगर हम थर्ड को चूज करेंगे तो ये हमारी बॉडी को कलर करेगा, एंड फोर्थ वाले को ये पूरा कंप्लीट चूज करेगा। तो हम फोर्थ पे क्लिक करेंगे और ये मेरी पूरी कंप्लीट बॉडी जो है ये हमारी रेड कलर में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आपके इसको फ्रंट वाले प्लेन पे ही केवल कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से किसी भी स्टोन को देखूंगा, आर्किटेक्चर को हमने देखा और ये मेरा ग्रेनाइट का है, ग्रेनाइट का मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एंड मैं फर्स्ट वाले को क्लिक करूंगा जो हमारा फेस है, अगर मैं फेस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, ओनली मेरे फेस को कलर चूज करेगा। सैडेड के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ हम जाएंगे इसके ऊपर हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा शेडो के लिए है, तो ये हमारे इसका इसकी शेडो हमारी बन गई है। अगर मुझे इसमें मटेरियल चूज करना है तो मैं क्या करूंगा, एरो पे क्लिक करूंगा, एडिट के अंदर आऊंगा, एडिट के आने के बाद अपियरेंस में जाकर के और मटेरियल चूज कर सकता हूँ, या फिर अगर हमको इतनी दूर नहीं जाना तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा जो डिजाइन ट्री है इस डिजाइन ट्री में यहाँ मटेरियल दिया हुआ है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एडिट मटेरियल चूज करेंगे, एडिट मटेरियल चूज करते ही हमारे पास ये ऑप्शन दिखेगा, हमें कॉपर में जाना है और यहाँ से हमें ब्रास चूज करना है, मैं ब्रास मटेरियल देना चाहता हूँ, मैंने ब्रास को क्लिक किया एंड अप्लाई करके क्लोज किया, तो ये मेरा क्या है, ब्रास के मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। इसका अगर वेट देखना चाहूँ इवेलुएट में जाऊँगा और मास प्रॉपर्टीज में जा करके मैं इसका वेट देख सकता हूँ, इसका जो मास है हमारा 1241.85 ग्राम है, इसकी वॉल्यूम जो है वो हमारे पास दे रखी है, इसका सरफेस एरिया वो भी हमारा दे रखा है। तो इस तरीके से यहाँ 5 का सेकंड ट्यूटोरियल हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं ट्यूटोरियल 3। तो फ्रेंड्स ये हमारा ट्यूटोरियल 3 है, ये जो हमारा ट्यूटोरियल है वो हमारे चैप्टर 4 का थर्ड एक्सरसाइज है, चैप्टर 4 के थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमने इसकी स्केचिंग कंप्लीट की है। यहाँ हम रिवॉल्व कमांड यूज करना देखेंगे कि इसको हम रिवॉल्व किस तरीके से यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स ये स्केच हमने चैप्टर 4 के थर्ड एक्सरसाइज के अंदर हमने कंप्लीट किया हुआ है। इस एक्सरसाइज के जो हमारा स्केच है उसमें देखने वाली बात यह है कि इस ये जो पॉइंट है ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से जो हमारा फर्स्ट स्केच बनेगा यहाँ से 20 की दूरी पे बनेगा, इसके अंदर दिखा रखा है 40, 40 इसलिए दिखा रखा है क्योंकि ये सेंटर लाइन से 20 डाउन साइड में एंड 20 अप साइड के अंदर है, तो हमारा 20 20 अप एंड डाउन होगा तो 40 mm हो जाएगा। अगर हम सेंटर लाइन से देखेंगे तो ये हमारा 20 mm अप साइड पे है, तो ये जो हमारी डिस्टेंस यहाँ दे रखी है, यहाँ यहाँ जो हमारे डायमेंशन दे रखे हैं वो हमारे सेंटर पॉइंट से दे रखे हैं, इसलिए ये 2 टाइम्स दिए हुए हैं, जो हमारा यहाँ वैल्यू है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है। तो जब हम इसके स्केच को कंप्लीट करेंगे तो हम इसका हाफ लेकर के करेंगे, अगर हम सेंटर पॉइंट से यूज करना देखेंगे तो हम हाफ लेंगे, और जो हमारा ये स्केच है वो यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। सेकेंड यहाँ जो एंगल दे रखा है ये एंगल 62 डिग्री का दे रखा है, तो फ्रेंड्स इसमें एक छोटी सी एरर है कि अगर आप लोग इसका डायरेक्शन 10 mm लेकर के चलते हैं, जो कि यहाँ 10 mm दी हुई है, इसका ये जो लाइन है यहाँ सेंटर में 10 mm दी हुई है, तो अगर हम ये 10 mm लेते हैं, ये 10 mm 10 mm 10 mm, अगर हम इन सबको इक्वल डिस्टेंस लेते हैं तो हमारा 62 डिग्री पे हमारा स्केच कंप्लीट नहीं होगा। अगर हमें 62 डिग्री लेना है तो हमें ओनली इसको 10 mm, इसको 10 mm और इसको 10 mm लेना पड़ेगा, इसके बाद हम एंगल देकर के 62 डिग्री पे लेंगे और बाकी हम इक्वल डिस्टेंस में इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ये स्केच को कंप्लीट किया है। अब इसके अंदर हम देखते हैं रिवॉल्व कमांड हम कैसे यूज करेंगे। तो मैं रिवॉल्व पे क्लिक करूंगा, रिवॉल्व पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये मेरे से पूछेगा एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, तो मुझे क्या देना है, ये सेंटर लाइन देनी है, सेंटर लाइन देते ही हमारे पास ये रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसके लिए क्या करना है, अब सबसे पहले ये जो कह रहा है हमारा इस ट्यूटोरियल में हमें थिन फीचर का यूज करना है और जो हमारे एंगल होगा वो 270 डिग्री होगा, हमारा जो एंगल होगा वो 270 डिग्री होगा और हमें मटेरियल कॉपर अप्लाई करना है और डिटरमाइन मास प्रॉपर्टीज के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम इसे रिवॉल्व कमांड यूज करते हैं, रिवॉल्व कमांड यूज करने के बाद क्या है, हमें यहाँ 270 डिग्री देना है, हम डायरेक्शन चेंज करके और इधर की साइड आ गए, हमने ओके कर दिया, तो ये हमारा बन के कम्प्लीट हो गया। लेकिन इसने बोला था थिन फीचर यूज करने के लिए, एडिट करके और वापस से हम यहाँ फिर हम स्केच चूज करेंगे, स्केच के बाद हमने यहाँ एक्सिस पॉइंट देना है, एक्सिस पॉइंट देने के बाद यहाँ थिन फीचर यूज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है एंड यहाँ हमें 270 डिग्री, ओके और हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारा ये थिन फीचर के अंदर हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें इस पे मटेरियल अप्लाई करना है,
ये हमारा डिजाइन ट्री है। डिजाइन ट्री के अंदर मटेरियल के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट मटेरियल के अंदर आएंगे। एडिट मटेरियल के नीचे यहाँ मेरा कॉपर दिया हुआ है, मैं कॉपर पे क्लिक करूंगा, क्योंकि ये कह रहा है कि आपको जो मटेरियल चूज करना है वो कॉपर मटेरियल चूज करना है, तो मैंने कॉपर मटेरियल चूज कर लिया। कॉपर मटेरियल चूज करने के बाद मेरा कलर भी चेंज हो गया, कॉपर के कलर का हो गया। इसके बाद मुझे इसकी मास प्रॉपर्टीज देखनी है, तो मास प्रॉपर्टीज के लिए मैं इवेलुएट के अंदर जाऊंगा, फिर यहाँ से मैं मास प्रॉपर्टीज पर क्लिक करूंगा और मेरा ये मास प्रॉपर्टीज ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका जो मास है 34,797.85 ग्राम है। इसका जो वॉल्यूम दे रखा है वो भी हमारा दे रखा है क्यूबिक मीटर में, एंड जो हमारा सरफेस एरिया है वो भी हमारा स्क्वायर मीटर मिलीमीटर में दिया हुआ है, एमएम में दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इसका मास प्रॉपर्टीज भी देख लिया, इसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी। तो ये हमारे चैप्टर 5 का थर्ड ट्यूटोरियल है। आगे हम देखते हैं, अब यहाँ से एक्सरसाइज मेरे स्टार्ट हो गया चैप्टर 5 का। ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर 5 का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। इस स्केच को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो हमारा इसका क्वेश्चन है ये हमारे यहाँ दिया हुआ है कि ये हमें मॉडल को ओनली एक्सट्रूड बॉस यूज करना है। डेप्थ होगी हमारी वो 15 mm होगी। हमारे चैप्टर 5 का सेकंड ट्यूटोरियल है, सेकंड एक्सरसाइज है। स्केच का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसमें आपको क्या करना है, मॉडल का एक्सट्रूड बॉस यूज करना है 25 mm। स्टैंडर्ड व्यू के अंदर हमें फ्रंट व्यू मॉडल देखना है, डिस्प्ले व्यू में टॉप व्यू देखना है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर 5 का थर्ड एक्सरसाइज है, ये हमारा स्केच है, और इसके अंदर आपको डायरेक्शन 1 के अंदर एंगल 270 डिग्री देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यहाँ हमारा चैप्टर 5 का एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट होता है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।